हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैलकुलस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन की अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, तो एप्लाइड मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ थ्योरी आपको नहीं करनी है, तो हम ज़्यादा इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज पर नहीं जाएंगे कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। बस मैं उसका आपको एक बेसिक बताता हूँ कि भाई डेरिवेटिव होते क्या हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। तो जब भी हम डेरिवेटिव को देखो रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज आपको जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन है वाई। ठीक है, फंक्शन हमने क्या लिया, फंक्शन को आप लिखते हो वाई, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसको आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। डेरिवेटिव को इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी वाई बाय डी एक्स। नॉर्मली हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव करते हैं। अब इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो किसी और के रिस्पेक्ट में करना है तो वो भी आपको समझ में आता जाएगा। इनिशियली हम जो भी फार्मूले करेंगे वो सभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको रीड आप कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पर फंक्शन को लिखते हैं, मान लो y, इसको डेरिवेटिव को लिखने के और कई के तरीके हो सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आप देखोगे तो इसको कहीं पर आपको ऐसे y डैश भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इसको आप ऐसे y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब का मतलब डेरिवेटिव होता है। अगर आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स की फॉर्म में, तो जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसको लिखते हैं ऐसे एफ डैश एक्स। तो जैसे भी आपको यहाँ फंक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। तो ये डेरिवेटिव लिखने के बस अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है। जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो फार्मूला आपको करना है, जो फार्मूला आपको समझना है, वो होता है डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, इसको डिटेल में आप समझते हैं इस क्लास में हम। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को कई जगह एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड, या इसमें इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम डिराइव करते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही होती है। कई जगह इसको डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। तो नाम कुछ भी हो, काम सबका यहाँ पर एक ही है। तो क्या होता है हमारे पास ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल को हम यूज करके अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उससे हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम अगर एक्सरसाइज पे चले, ML अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है यूजिंग डेफिनेशन मींस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो सबसे पहला जो फंक्शन आपको इसमें जो करना है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ आपको fx equals to 3x एट x equals to 2। तो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx equals to 3x एट x equals to 2। तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, बाय डेफिनेशन आप इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां पर f डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f 2 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये मतलब हुआ हमें क्या करना है, x की जगह बस आपको 2 से रिप्लेस कर देना है। अब जो ये वाली जो साइड है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर देखो पहले क्या है, एफ टू प्लस एच, आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास 3x, यहां पर आपको क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है किससे, 2 प्लस एच से।
तो यहाँ पर जो 3x आ रहा था इसको आप लिखेंगे 3 इंटू में 2 प्लस एच, ठीक है। क्या करना है, x को रिप्लेस करना है आपको 2 प्लस एच से और कुछ नहीं करना। माइनस एफ टू, यहां पर x को रिप्लेस करना है आपको किससे, 2 से, तो यहां आ जाएगा 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय h। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करके देखे क्या आता है, एफ डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 प्लस में 3h माइनस 6 डिवाइडेड बाय h, 6 से 6 कैंसिल किया आपने तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल कर दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में से h खत्म हो गया, इसके बाद यानी आप लिमिट यहां पर यूज कर सकते हैं। लिमिट का कांसेप्ट यहां पर भी यूज करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि जब तक आपको यहां पर पुट नहीं करना है जब तक डिनोमिनेटर इसका जीरो ना हो जाए, तो उस केस में आपको इसको पुट नहीं करना है। तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर खत्म कर दिया तो यहां पर फंक्शन रहेगा आपके पास 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h तो इसमें अब है ही नहीं, h है ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो आ गया 3। यानी यहां से आपको ये पता लग गया कि जो fx का डेरिवेटिव है वो 3 होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो बच्चों इसके ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दिए हुए, इसमें भी आपको बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। तो जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, बाय डेफिनेशन अभी अभी जो हमने करा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो यहां पर आपको x की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहां पर आपको x की जगह 3 पुट करना है, तो यह लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करना है आपको, यहां पर 3 प्लस एच रखना है, x को किससे रिप्लेस करना है, 3 प्लस एच से, यानी जो ये फंक्शन दिया हुआ है इस x की जगह अगर आप 3 प्लस एच रखेंगे तो यहां भी 3 प्लस एच हो जाएगा, यहां भी 3 प्लस एच हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रिप्लेस जब आप करें सही से रिप्लेस करें। तो ये हो गया यहां पर 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, इस x को हमने रिप्लेस किया 3 प्लस एच से, उसके बाद फिर 2x है, अब x को रिप्लेस कर दो 3 प्लस एच प्लस 7 माइनस एफ 3, एफ 3 का मतलब अब x को रिप्लेस करना है किससे, 3 से, तो यहां पर 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 2 इंटू में 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय एच। और ऊपर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर आइडेंटिटी यूज करें आप, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यहाँ ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2h प्लस 7, इसकी ब्रैकेट आप सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ माइनस है बाहर तो माइनस 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7। अब जो जो टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाए उनको कैंसिल कर दो, यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हुआ है, तो 9 आपका कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया। अब जो टर्म यहाँ पर बच रही है, कौन कौन सी टर्म बच गई आपके पास, बच गया यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h स्क्वायर बच गया, फिर 6h प्लस 2h यानी 8h हो गया डिवाइडेड बाय h। अब यहां से देखो आपके पास h कॉमन निकल जाएगा तो यहां रह गया h प्लस 8 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, जब ये डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल हो जाए तब आप लिमिट सीधा अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 8 यानी आंसर आ गया आपका 8। तो इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में भी आपको जो फंक्शन दिया है वो 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो डेफिनेशन हमारी यही रहेगी, x की जगह आपको 1 पुट करना है, यहाँ भी 1 पुट करना है, यहाँ भी 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये 1 प्लस एच हो गया, ये 1 हो गया, आगे का हमें चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हम अब कर रहे हैं कौन सा सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट सॉरी। अब यहां पर जो फंक्शन आपके पास है 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहां पर x की जगह क्या करना है आपको, 1 प्लस h पुट कर देना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f1, द 1 f1 करेंगे तो 1 माइनस x की जगह 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय h। तो यहां से आ गया आपके पास ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 4,
यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab 1-4 डिवाइडेड बाय एच। ये आई आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा -4 -4h² -8h और यहां से आ जाएगा -1 + 4 डिवाइडेड बाय एच। यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास टर्म बचेगी उसमें से h आप निकाल दो कॉमन, h कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा -4h और -8 ये कैंसिल। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 × 0 - 8 आंसर आ जाएगा आपका -8। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपको दिया हुआ है फंक्शन ये दिया हुआ है, शो करना है f'1 = f'2, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी हमें f'1 की वैल्यू निकालनी है, f'2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास फार्मूला है बाई डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला है, f'(x) = (x→0) fx + h - fx/h। तो यहाँ पर जब आप f'2 पुट करते हैं, f'2 हमने पुट किया तो आ गया आपके पास लिमिट h→0 f2 + h - f2/h। तो जो फंक्शन है आपका, उस फंक्शन में क्या करना है, आप x की जगह आपको क्या करना है 2+h पुट कर देना, तो जहां जहां x है वहां पर 2+h पुट कर दो, तो ये आ गया 2 × 2+h³ 9 2+h² 12 2+h + 9 डिवाइडेड बाय h। तो माइनस में ये हो रहा है -f2 निकालेंगे तो अब x की जगह आपको 2 पुट करना है, 2 × 2 = 9 × 2² 12 × 2 + 9 ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, a + b³ की आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी याद है, नहीं याद है तो मैं यहां लिख देता हूं a + b³, ये होता है a³ + b³ 3a² b 3ab² ये तो क्यूब की आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर की आइडेंटिटी तो आई थिंक सबको याद होगी बड़े आराम से, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 2³ + b³³ 3 × a² × b + 3 × a × b² ये हो गया, इधर से -9 × यहाँ पर a + b² लगा देंगे, a² + b² + 2ab करेंगे तो 2 × 2 × 4 यानी 4h आ जाएगा। इधर से इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं 24 12h + 9 अब यहाँ से ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ गया 2³ करेंगे 8 हो गया 8 × 2 = 16 इधर आ गया 4 4×9 = 36 इधर आ गया 24 + 9 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, अंदर वाला सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 2³ करेंगे आ जाएगा 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 16, फिर 2 को इससे करेंगे आ गया 2h³, तो यहाँ पर आ गया 2² करेंगे 4 4³ = 12 12² = 24 ठीक है। ब्रैकेट भी ओपन करते जा रहे हैं और अंदर का सिंप्लीफाई भी करते जा रहे हैं, यहाँ पर देखो 2³ = 6 6² = 12 और यहाँ पर आ गया ये h² माइनस यहाँ पर आ गया 4 4×9 = 36 9 - 9h² - 36h + 24 + 12h + 9 अब यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर ये लिमिट हर जगह लिखनी है आपको, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको लिमिट लिखनी है। अब यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कॉन्स्टेंट टर्म है 16
माइनस 16 कैंसिल, माइनस 36 प्लस 36 प्लस 24 माइनस 24 प्लस 9 माइनस 9। अब जो बाकी जो टर्म बची है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या क्या बचा आपके पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 2h³, स्क्वायर वाली टर्म देखो 12h² माइनस 9h², तो ये रहेगी आपके पास कितनी 12 माइनस 9 3h² h वाली टर्म 24h और माइनस 36 यानी माइनस 12h। और कुछ तुम्हारे पास नहीं बच रहा है, और एक बार चेक कर लेते हैं, एक ही 12h और भी था तो 12h और ये 12h कैंसिल हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा सारा। ठीक है, ये सारा जीरो हो गया क्योंकि 24 ये हो गया और 12h ये हो गया 36 और माइनस 36 यानी h वाली टर्म सारी कैंसिल, डिवाइडेड बाय रह गया h। यहाँ से h आप कॉमन निकाल देंगे तो h कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 2h² प्लस में h² कॉमन निकाल दो, एक्चुअली 2h प्लस में 3 ये बची है डिवाइडेड बाय h, इससे ये कैंसिल करेंगे। अब देखो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट यहाँ तो जीरो हो गई और यहाँ भी जीरो हो गया। अगर जीरो से देखो ये सारा इंटू हो रहा है तो आंसर क्या आना है आपका, जीरो ही आना है। तो ये हो जाएगा जीरो इंटू में टू इंटू में जीरो प्लस 3 इक्वल्स टू में जीरो, यानी जो f डैश हमने निकाला f डैश 2 उसकी वैल्यू आ गई है जीरो। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये नोट कर लें। अब उसके बाद हम निकालते हैं f डैश 1। f डैश 1 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास जीरो आनी चाहिए ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो जब f डैश 1 हम करेंगे तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर भी 1 करना है। अब जहाँ जहाँ हमने 2 प्लस h पुट किया था सब जगह 1 प्लस h पुट करना है। ये 1 प्लस h हो गया, ये भी 1 प्लस h हो गया, यहाँ भी 1 प्लस h। अब यहाँ पर क्या करना है f1, ठीक है, तो x की जगह पर आपको 1 पुट कर देना है बस, ये सारा हो गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें फिर से आपने वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, आइडेंटिटीज लगानी है। तो आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3h, फिर a b का 3 इंटू में a b का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी आपको लगा देनी है बस, ये हो गया माइनस 9। फिर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 प्लस में 12h प्लस में 9, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से देखो 2 आगे इधर माइनस 9 प्लस में 12 और प्लस में 9 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ 2 से इसकी ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 2h³ 6h² माइनस 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा काम लिखने लिखने का लंबा है, बाकी ऐसे कोई मुश्किल कुछ नहीं है। यहाँ सबकी ब्रैकेट ओपन करी, सबके साइन चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ भी देखो कॉन्स्टेंट टर्म सारे कट जाएंगे, 2 से ये माइनस 2 हो गया, प्लस 9 माइनस 9 और कहाँ गया जरा, प्लस 9 माइनस 9 माइनस 12 और प्लस 12। और जो जो टर्म बच गई है उसको लिख लेते हैं हम, यहाँ से 2h³ बच गया, स्क्वायर वाली टर्म में 6h² माइनस 9h यानी माइनस 3h बच गया, h वाली टर्म देखो 6h प्लस में 12 18h हो गया, माइनस 18h जीरो हो गया। यहाँ से आपके पास ये h था, अब सेम वही काम करते हैं, यहाँ से h² कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया 2h माइनस 3 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू में 2 इंटू में 0 माइनस 3 आंसर आ गया 0। तो f डैश 2 भी हमारा 2 निकला था और f डैश 0 निकला था और f डैश 1 भी हमारा 0 ही निकला है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि f डैश 1 और f डैश 2 दोनों आपस में इक्वल है। इस तरीके से आपका ये प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी बच्चों आपसे यही कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही अप्लाई करना है, कुछ फंक्शन हमें दिए हुए हैं उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल जो मेथड है आपके पास वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h
माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो बस यही फार्मूला आपको लगाना है हर क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो पिछले हमने क्वेश्चन किया उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तो आपको एज इट इज लेके चलना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x प्लस एच है तो x को रिप्लेस करना है आपको x प्लस एच से। तो यहाँ जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में आपको क्या करना है, x की जगह x प्लस एच पुट कर देना है, माइनस फाइव माइनस एफ एक्स, एफ एक्स क्या आपका 3x माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एच। यहां से इसकी ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये आ गया 3x प्लस में 3h माइनस फाइव माइनस 3x प्लस फाइव डिवाइडेड बाय h। तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहां पर h है ही नहीं तो आंसर आ जाएगा आपका 3। ऐसे अगर हम सेकंड इसको लेके चलें, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। अब x प्लस एच की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस x की जगह पर x प्लस एच आ जाएगा माइनस थ्री इसका होल स्क्वायर। फिर आगे आपके बाद उसके बाद माइनस एफ एक्स, एफ एक्स क्या आपके पास ये पूरा एफ एक्स है डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पर तीन टर्म है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो या आप इन किसी दो को एक बना के फिर यूज कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको एक्सपेंड कर लो। तो अगर हम तीनों का इकट्ठा लें तो तीनों का फार्मूला क्या बनता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर फिर प्लस में 2ab, 2 इंटू में इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 2xh, फिर यहाँ क्योंकि माइनस साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा, 2 इंटू में 3h यानी 6h हो गया, फिर 2 इंटू में 3 इंटू में x यानी माइनस 6x। कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, वो फार्मूला हमने यूज किया है। माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। यहाँ से देखो आपके पास क्या बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ से इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे आप तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर नाइन टू एक्स एच माइनस सिक्स एच माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस सिक्स एक्स हो गया और माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एच। अब जो जो टर्म यहाँ से कट सकती है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा होगा आपके पास जो x वाली टर्म्स है या कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो कट जाएंगी, और देखो क्या कट सकता है, जो h वाली टर्म्स है वो बचेगी, उसमें से h कॉमन निकल जाएगा, h कॉमन निकल गया, यहाँ पर h रह गया, यहाँ 2x रह गया, यहाँ माइनस सिक्स रह गया, ठीक है। अब यहाँ से इस h से ये h कैंसिल हो गया, अब आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया जाएगा जीरो 2x माइनस सिक्स, यानी जो आंसर है आपका वो आ जाएगा 2x माइनस सिक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2x माइनस सिक्स। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई करके देखेंगे, इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। तो उसके फोर्थ पार्ट में आपको दिया है बच्चों माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन। अभी जो माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, वन अपॉन में माइनस एक्स, ठीक है, जो पावर माइनस वन थी उस पावर को आपको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो अब ये बन गया आपके पास माइनस वन अपॉन एक्स। ये माइनस जो है इस माइनस को भी आप नीचे मत रखना, इस माइनस को भी आप ऊपर ही रहने देना, क्योंकि आप माइनस वन बाय एक्स लिखते हो या वन अपॉन माइनस एक्स लिखते हो या फिर माइनस को ऐसे बीच में रखते हो तो तीनों का मतलब सेम ही है। तो माइनस को हम यहाँ पर रखेंगे, बीच में रखेंगे, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस वन अपॉन एक्स। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो आपके पास जो फार्मूला था एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच यानी वही आपको x की जगह क्या करना है, x प्लस एच पुट करना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट जो यहाँ पर जगह होगी
आपको जहां जहां फंक्शन में x दिया हुआ है उसके लिए क्या करना है, x प्लस h पुट कर देना, तो उसके लिए कोई कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या फंक्शन आपके पास माइनस वन अपॉन एक्स है, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच हो गया, और यहाँ माइनस साइन ये वाला हो गया, और ये हो गया माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच, और ये माइनस प्लस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब इन दोनों को तो आप डायरेक्टली प्लस माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब है यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स प्लस एच एज इट इज इधर आ जाएगा इनटू में एक्स आ गया, इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, इस वन से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया एक्स प्लस एच। अब ये वाले एच का क्या करना है, ये वाला एच आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर के साथ इनटू में हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप फ्रैक्शन लिखते हैं वन अपॉन टू अपॉन में थ्री, तो ये थ्री कहाँ जाता है, ये थ्री इधर आ जाता है। ठीक है, ये नीचे ऊपर फ्रैक्शन है, ऊपर ये फ्रैक्शन है और नीचे एक सिंगल टर्म है, तो ये थ्री इधर आ जाता है वन अपॉन में टू इंटू में थ्री यानी वन अपॉन सिक्स, इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एच को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पर लाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर देखो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर रह जाएगा यहाँ से प्लस एच, नीचे क्या रह गया, नीचे मल्टीप्लाई मत करना अभी, इस एच से एच कैंसिल हो गया। अब ये एच जब कैंसिल हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपने अप्लाई किया तो ऊपर आ गया आपके पास वन, नीचे आ गया एक्स प्लस जीरो इंटू में एक्स, तो इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब इसी तरीके से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो थ्री है इस थ्री को आप यहाँ साथ में भी रख सकते हैं या इस थ्री को सीधा बाहर भी निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बिल्कुल बाहर भी आप लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट में भी आप जब ये फार्मूला लगाओगे उसके हिसाब से क्या बनेगा। ठीक है, ये आप सिक्स पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, तो इस एक्स की जगह आप क्या करना है, आपको एक्स प्लस एच पुट कर दिया प्लस वन, नीचे भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी एक्स है, माइनस एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एज इट इज यही आ गया एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर भी ये दो टर्म है, इनको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जहाँ भी फ्रैक्शन में टर्म्स आएंगे वहाँ पर एलसीएम से सॉल्व करना। एलसीएम क्या आ गया, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू में एक्स माइनस वन। एलसीएम का मतलब है बस आपको ये नीचे वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देनी है, और जो डिनोमिनेटर में एच दिया था जैसे भी समझाया था आपको, इस एच को इसके साथ लेना है। ठीक है, इस एक्स माइनस वन से इसको इंटू करेंगे, एक्स प्लस एच प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन माइनस इस एक्स प्लस वन से इसको इंटू करेंगे। इसकी आपको ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर देनी है, इस एक्स से इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस वन से करेंगे माइनस एक्स, फिर एच से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एच एक्स माइनस एच, फिर वन से करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन ब्रैकेट। इसके बाद अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स प्लस वन है, ये एक्स को इस एक्स से किया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, फिर एच से इन दोनों को किया एच एक्स प्लस एच, फिर माइनस वन से किया माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, नीचे एज इट इज रखना है, किसी भी क्वेश्चन में नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इसकी जो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या बनेगा, ये तो यहां से माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, यहां पर रह गया प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस वन, इधर भी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा है ब्रैकेट उसकी ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आपको फिर कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख देना है।
अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन कैंसिल हो गया प्लस वन के साथ। अब जो आपके पास बच गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां से बच गया एच एक्स माइनस एच और माइनस एच एक्स, ये भी तो कैंसिल हो गया, माइनस एच यानी केवल बच गया माइनस टू एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एच। अब जो नीचे वाला एच था ऊपर वाले एच से कैंसिल हो गया। हर क्वेश्चन में लगभग यही हो रहा है कि जो नीचे वाला एच है वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद ही लिमिट आपको अप्लाई करनी है माइनस टू अकाउंट में एक्स प्लस जीरो माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू। यहाँ से एक्स प्लस जीरो माइनस वन को सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वन ही आएगा, ये भी एक्स माइनस वन हो गया, यानी आंसर आ गया आपका माइनस टू अकाउंट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इसका सेवन्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एट पार्ट में दिया हुआ है, दोनों बारी बारी से करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वही लिमिट एस टेंड्स टू जीरो इसका एफ डैश एक्स का इक्वल्स टू में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। एक्स प्लस एच की जगह यहाँ पर आ गया, इस एक्स की जगह करेंगे एक्स प्लस एच प्लस में वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस ब्रैकेट में इसके आ गया एक्स प्लस वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब इसकी ब्रैकेट पहले आप सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स। अब यहाँ से देखो ये एक्स से ये एक्स तो कैंसिल हो गया, अब जो बाकी टर्म बच गई उसका आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बचा, एलसीएम में एक तो ये आ गया एक्स प्लस एच आ गया, एक ये वाला एक्स आ गया, ये जो एच है ये अकेला रह गया अभी, ठीक है। अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एच के साथ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी एच इंटू में एक्स प्लस एच इंटू में एक्स प्लस ये एक्स प्लस एच से एक्स प्लस एच कैंसिल हो गया, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे एलसीएम वाले क्वेश्चन करते हो आप सेम बिल्कुल वही तरीका रहेगा, माइनस इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वन से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया आपके पास। और ये जो नीचे वाला एच है फिर से आप इसको यहाँ पर ले आएंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बस एच एक्स प्लस में एच स्क्वायर, ये x भी इंटू हो रहा था तो इस x को भी इंटू कर देंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर एक्स प्लस में x माइनस एच। अब आपके पास नीचे यहाँ आ गया x प्लस एच और इंटू में एच। अब यहाँ पर देखो इस x से x कैंसिल हो गया, ये x और था नीचे। अब जो ऊपर जो टर्म बची है उसमें से फिर से क्या हुआ है एच कॉमन निकल रहा है, एच कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं। तो एच कॉमन निकालने के बाद यहां से बचेगा एच एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा एच एक्स, यहां से आ गया माइनस वन इधर से। अब नीचे क्या था आपके पास, नीचे था एक्स प्लस एच, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया था नीचे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर देखो इस एच से एच कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या करना होता है हमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये जीरो हो जाएगा माइनस वन, नीचे एक्स प्लस जीरो इंटू में एक्स, तो ऊपर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे एक्स बचेगा एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, अलग अलग करके कैसे मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं एट पार्ट की, इसमें आपको जो टर्म है वो रूट में दी हुई है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो जो एट पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें उसमें भी आप स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच।
तो ये आ जाएगा रूट थ्री इंटू में एक्स प्लस एच प्लस फोर माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की जगह वही सेम आ गए डिवाइडेड बाय एच। अब ना तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम इसकी पावर को सॉल्व कर लें, ना हमारे पास कुछ ऐसा है फ्रैक्शन में कि हम एलसीएम ले लें। तो जो रूट वाले क्वेश्चन है उनमें क्या करना है आपको, रूट वाले क्वेश्चन में करना है आपको रैशनलाइज, रैशनलाइज करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो इसको हम रैशनलाइज अब करेंगे तो क्या करना है आपको, इसकी मैं ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूँ, थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस फोर माइनस ये आ गया। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो बीच का साइन है उसको आपको चेंज कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस फोर प्लस में थ्री एक्स प्लस फोर, और सेम चीज नीचे डिवाइड में भी आ जाएगी, थ्री एक्स थ्री एच प्लस में फोर प्लस में थ्री एक्स प्लस फोर। अब ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी की। उस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 3x 3h plus 4 minus b का स्क्वायर। अब जो b है हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x plus 4 divided by h into में 3x 3h plus 4 into में 3x plus 4 plus में ये आ गया। अब यहाँ से जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये 3x माइनस में हो जाएगा, ये 3x कैंसिल हो गया, 4 के साथ ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास, अब ऊपर से बच गया आपके पास 3h, नीचे आ गया h इनटू में 3x 3h प्लस 4 प्लस में 3x प्लस 4। इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, नीचे वाला एच फिर कैंसिल कर दिया हमने। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा इस रूट के अंदर 3x प्लस 0 प्लस 4। अब ये भी 3x प्लस 4 है, ये भी 3x प्लस 4 है, दोनों आपस में आपको ऐड करने हैं, ऐड करने तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x प्लस 4, यानी जो आपका आंसर है वो ये बन गया 3 अपॉन में 2 रूट 3x प्लस में 4। तो आप इस वीडियो के थ्रू एक्सरसाइज 11.1 इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको कैसे लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, आपको हम हर क्वेश्चन में ऐसे डेरिवेटिव नहीं करने, तो आपको डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव सीधा आप ये कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने x प्लस वन अपॉन x का डेरिवेटिव निकाला, तो ये सब चीज़ हम डायरेक्टली सीखेंगे। ये सब चीज़ें आपको अब सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं करने हैं। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, ये हमें पता लगेगा क्यों होता है 1, जैसे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, सारे इसके बेसिक बताऊंगा, कुछ आपको डेरिवेटिव्स की टर्म्स बताऊंगा जो आपको लर्न करने हैं ताकि आप इजीली इनको डायरेक्टली कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।